हाय फ्रेंड्स, दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस है आज फिशर यानी कि गुदा मार्ग में जो कट लग जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। आज एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम एनल फिशर है, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान मैक्सिमम केसेस में एनल फिशर हो जाता है। उसमें क्या होता है, एक विशियस साइकिल सेट हो जाता है, पेन स्पाजम पेन मतलब दर्द होता है, उसकी वजह से स्फिंक्टर टाइट हो जाता है, स्फिंक्टर टाइट होने की वजह से और ज़्यादा दर्द होता है, उसकी वजह से और ज़्यादा स्फिंक्टर टाइट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर इसका क्या प्रोसीजर करना चाहिए, तो इसमें हम लेटरल एनल स्फिंक्टरोटमी करते हैं। लेटरल मतलब जैसे ये एनल कैनाल है तो इसकी साइड से स्फिंक्टर को हम थोड़ा सा डेंटेड लाइन तक काट देते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, एक होता है क्लोज्ड लेटरल एनल स्फिंक्टरोटमी, एक होता है ओपन लेटरल एनल स्फिंक्टरोटमी। ओपन में क्या है, आप स्फिंक्टर को पकड़ते हो, थोड़ा सा बाहर को लाए और काट दिया। क्लोज में क्या है, आप नाइफ से या लेजर से अंदर गए, अंदर आपने एनल कैनाल में फिंगर रखी और सपोर्ट करके इंटरनल स्फिंक्टर को काट दिया। इसमें हम इंटरनल स्फिंक्टर को डेंटेड लाइन तक काटते हैं, जिससे एकदम उसी समय जैसे उसको काटते हैं तो स्पाज्म रिलीज हो जाता है, और जैसे ही स्पाज्म रिलीज होता है पेन खत्म हो जाता है। इसके लिए टेक्निकली हम क्या करते हैं, इसके लिए बड़ी एक्सपर्टाइज चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये बाहर की तरफ होता है, इंटरनल थोड़ा अंदर की तरफ होता है। अगर आप आराम से ऐसे फील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर इंटरनल स्फिंक्टर है, बाहर एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। आपको बस उस ग्रूव को अच्छे से लोकेट करना है, फिर उसके अंदर जाके आपको इंटरनल स्फिंक्टर को डेंटेड लाइन तक डिवाइड कर देना है। हार्डली इस प्रोसीजर में 1 से 1.5 मिनट लगता है। इसको लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया किसी में भी किया जा सकता है, और ये बिल्कुल कन्वीनियंट है, और वर्ल्ड वाइड यही टेक्निक अब एक्सेप्टेड टेक्निक है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनल फिशर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू। रना हॉस्पिटल सरहन पंजाब, कम विद पाइल्स, गो विद स्माइल्स।